गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं आ गया हूँ अपने नए व्लॉग में गाइस। और आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ी सी नई प्लेस है, क्योंकि मैं अपनी हूँ नानी के घर पे हूँ। मेरे नानी के घर के पास एक थोड़ा सा यज्ञशाला कह सकते हो। मम्मी क्या है ये? यज्ञशाला। देखा यज्ञशाला। तो आगे का व्लॉग करते हुए कंटिन्यू से पहले कर देते हैं इंट्रो आ जाता है, तो इंट्रो प्रकट हो जाओ। बस बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग डाला था, कोई मैंने कहा थोड़ा सा घूम रहे हैं तो क्यों ना टहलने निकले थे हम इस टाइम, तो हम टहल रहे हैं। और ये है श्री गाइस, यहाँ पे लाइटिंग बहुत बुरी हो रखी है, बुरी भी क्या, एक लाइट लगा रखी है बस, इसी की रोशनी में मेरे को अपना ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। ऊपर से रात भी हो रही है, दिन का टाइम होता तो एक बार को चल भी जाता, लेकिन कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे और आगे करते हैं ब्लॉग कंटिन्यू। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं बट टहल रहा हूँ। मैं आपको एक सेकंड यज्ञशाला दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखो, ये है यहाँ की यज्ञशाला, ये ऊपर लिखा है श्री नवगुण मंदिर, लिखा है यहाँ पर मंदिर है, लेकिन यहाँ पे यज्ञशाला भी लिखा हुआ था कहीं। एक सेकंड, आई थिंक सो। हाँ गाइज ये देखिए, ये लिखा हुआ है यज्ञशाला यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी यज्ञशाला हैगी यहाँ पर, मैं इसी की बात कर रहा था। और यहाँ पर एक छोटा सा देख सकते हैं आप, एक पार्क टाइप बना रखा है। और गाइस बच्चे बहुत टहल रहे हैं, मेरी आवाज़ अगर थोड़ी चप्पल लगे वो है मेरी मम्मी जी। और ये एक छोटा सा पार्क बना रखा है। और ये में है मेरी मौसी, और ये है मेरी दीदी की बेटी, इसका नाम है आरोही। तो ये कुछ चीज़ भी लेके आई हैं अपने बच्चों से, कुछ बातचीत कर रही हैं, जेली लेकर आई है। तो गाइस अभी तो हम यज्ञशाला में हैं, कहीं और जाएंगे तो आगे ब्लॉग दिखाते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पे एक मंदिर हैगा, ये श्री नवगुण मंदिर। अब यह हम यहाँ पर भी जाएंगे, जो मम्मी ने कही यहाँ पर, हम यहाँ पर दर्शन करेंगे। ये भी एक मंदिर है एक तरीके से, बहुत सी अभी आपको मंदिर दिखाऊंगा तो दिखा दूंगा। गाइज अभी जा रहे हैं हम मंदिर, निकलो 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 है, निकल जाएंगे। चलो 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 चलो, मेरी बारी में जाऊंगी, ऐसे घुमा के। गाइज मुझे एड में जाना पड़ रहा है, एक सेकंड एक सेकंड। गाइज मैं बता रहा था ना, ये वाला मंदिर श्री नवगुण मंदिर, पता नहीं हम पे रिकॉर्डिंग अलाउ है नहीं है। तो गाइस अभी प्लान ऐसा है, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत तगड़ी वाली, तो हमने सोचा घर ही चल रहा था। मैं घर पे भी, मैं आपको अपनी दीदी से और नहीं मामी जी से भी मिल पाऊँगा। तो आओ, थोड़ा सा यहाँ पे अंधेरा, थोड़ा नहीं शक्ल भी पता नहीं मेरी विजिबल है नहीं है, मैं जब लाइट आएगी तो आपसे मिलता हूँ। ओके बाय। ये देखो गाइस कितना बड़ा कुत्ता है, बैठे हुए हैं यहाँ पे तीन बावले कुत्ते। मैं आ गया हूँ अपने घर पे और ये बैठी है मेरी मामी, आपको बना रही है खाना, आटा गूंथ रही हैं। हेलो। और दीदी कहाँ हैं? दीदी अंदर पढ़ाई कर रही है, बैठी है मेरी दीदी पढ़ रही हैं। ये हैं और यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई की चल रही है। दीदी बड़ी, दीदी के पता नहीं किसी चीज़ का पेपर आ रहा है, मुझे पता नहीं है। हाँ दीदी, किसका पेपर है? मास्टर्स। हाँ वही मास्टर्स का। और यहाँ पे आरोही पढ़ने नहीं दे रही, लेकिन हैं आरोही पढ़ने नहीं दे रही तुम। अभी मैं यहाँ पे हूँ रूम में, मैं आपको यहाँ का भी मंदिर दिखा देता हूँ एक सेकंड। गाइस ये हमारे घर का मंदिर, घर का मंदिर भी काफ़ी सही बना रखा है। और ये बच्चों, भाई मेरा बुआ का बेटा आया था यहाँ पे, बुआ भी आई थी, तो ये देखो कितना फैला फूली करके गया है। हैजरी ये है टीवी, और कितना फैला रखा है। अब ये शायद ना शायद दीदी को या मुझ में से किसी एक को समेटना पड़ेगा। तो गाइस अभी तो मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे, और अब मेरे पास,
अभी यहाँ पे कुछ करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा तो यहाँ पे कूलर में सोते हैं, खाओ पीस, खाओ पीस। तो क्यों ना मेरे को सोच रहा हूँ मेरे को वो ब्लॉग एंड करने देना चाहिए, बहुत दिनों से ब्लॉग डाला भी नहीं था, एक कम बैक हो जाएगा, छोटा सा ब्लॉग हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले धमाकेदार ब्लॉग के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, लव यू। और गाइज गाइज हम 100 सब्सक्राइबर के थोड़े बहुत ही करीब हैं, प्लीज़ आज 100 सब्सक्राइबर करा दो, शेयर क्यों नहीं करते यार वीडियो को, शेयर करो बहुत ज़्यादा। तो हम मिलते हैं, तो कर देते हैं ब्लॉग पॉइंट। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, बाय बाय।